फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक आप जानते हैं ना, तो फिल्मों की जब बात होती है तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है इसके अलावा बहुत इसका बहुत बड़ा रोल होता है बैकग्राउंड म्यूजिक का किसी भी फिल्म में। इसके साथ साथ कई गानों का जो जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं या जिसको हम म्यूज़िक अरेंज करना कहते हैं, ऐसे कई गाने हैं जिसमें चुटिया कलाइयाँ भी हैं और बहुत सारे ऐसे, बेबी डॉल बहुत फेमस गाना है, अभिजीत ने ही जिसको किया है। अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत ये बताइए कि कौन कौन सी फिल्में आपके खाते में हैं और कौन सी जो फिल्में हैं जिसको आपने खुद बड़े मन से किया है, ऐसी चीज़ें आप हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी दर्शकों को और सभी मेरे मित्र परिवार, मेरे भाई और बहनों को। ये जो जर्नी है ये काफ़ी पुरानी लंबी जर्नी है जिसको 15 साल बीत चुके हैं एक्चुअली, और वो चलती जा रही है। और ऐसा दौर था कि एक टाइम हम लोग स्ट्रगल वड़ा बॉक्स खा के भी करते थे, वो भी टाइम देखा है जी, जी, जी। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आज ऐसा कि खुद का 2 BHK घर पे, खुद का सेटअप है और खुद काम कर रहे हैं। ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है, दोस्तों का आशीर्वाद है, मित्रों का आशीर्वाद है। अच्छा काम किया, अच्छा मार्गदर्शन किया लोगों को, और अच्छा गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं हम लोग भी, और उनके ही आदर है, आप पीछे देख सकते हो। बिल्कुल। मैं फोटो ऑलवेज उनको देख के मेरा मोटिवेशन होता है, और वो एक्चुअली वही मेरे जहाँ मैं मेरा वर्क प्लेस रहता हूँ उनको मैं रखता हूँ मेरे पीछे। वही बस है, उनका ही ब्लेसिंग है, बाकी कुछ आप लोगों का प्यार है। अभिजीत, आपने बताया कि म्यूजिक अरेंज करते हैं आप, ये क्या होता है बेसिकली, मतलब म्यूजिक अरेंज करना क्या होता है? अरेंजमेंट लाइक दैट कि आपको एक ट्यून को उसको आपको सजाना है, उसको आपको सुंदर करना है। जैसे आप कोई दुल्हन रहती है उसको आप मेकअप करते हो जी। जिस दिन शादी रहती है उसकी, उसे मेकअप बिंदिया, फिर उसको फिर फाउंडेशन, उसका फिर मेहंदी, उसको पैर को मेहंदी, उसको फिर लिपस्टिक, उसके नेकलेस, साड़ीज बहुत सारी। तो क्या ये सब ऐसा पहनावा ही पहनाना पड़ता हमको? हम लोग यानी बेसिकली वी आर मेकर एक्चुअली, लाइक मेकर इन द सेंस हम लोग का गाना डिजाइन करते बनाते हैं, म्यूजिक डिजाइन करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, कंपोजर जो हमको बोलते हैं कि ऐसा म्यूजिक चाहिए अभी अभिजीत हमें, तो वैसा हमको करना पड़ता है। जो म्यूजिक उनका उनका थॉट रहता है कंपोजर्स का, क्योंकि वो उनका ट्यूनिंग रहता है डायरेक्टर लोगों के साथ, कंपोजर्स लोगों का, कि क्या सिचुएशन है, क्या इसका वीव है, वो हिसाब से फिर वो करते हैं, और वैसे म्यूजिक करते हैं हम लोग फिर। एक होता है BGM जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें जिसको आपने बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से और बहुत मन से, लगन से किया हो, ऐसी कोई फिल्मों का नाम बताएं जो मैंने किया है जी। एक्चुअली जो मैंने जो किया है, मेरा फेवरेट मेरी शॉर्ट फिल्म थी एक 2 Faces करके, जिसमें डायलॉग्स बिल्कुल नहीं थे, और ओनली फॉर म्यूजिक पे फिल्म थी पूरी वो, आप देख सकते हो यूट्यूब में 2 Faces करके, उसको इंटरनेशनल 22 अवार्ड्स भी मिले, और काफ़ी चर्चा में रही वो फिल्म, क्योंकि जो वो जो गाँव में जो होती थी ना दलित लोगों के ऊपर जो अत्याचार होते थे उसके ऊपर वो कहानी थी पूरी, तो वो एकदम मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतनी दर्दनाक घटना थी वो। जी, जी, जी। मैं उसको म्यूजिक करते हुए मेरे रोंटे खड़े हो गए थे, तो वो मैंने 2 Faces करके वो उसका बैकग्राउंड किया, एज ए कंपोजर था वो मेरा पहला स्टार्ट था एक्चुअली इंडस्ट्री में एंट्री करने का। फिर मैं धीरे धीरे फिर चिट्ठिया कलाई गाना मिला मुझे, रॉय की फिल्म की है मैंने चिट्ठिया कलाइया अमित बस के साथ, भाई लोगों का काफी प्यार रहा मुझे, दोनों अमित भैया बड़े भैया, अमित भैया उम्मीद बस ही है, दो डीओ सिंगर है मेरे बड़े भाई है, और उनके साथ था मैं 4-5 साल, फिर अभी इंडिविजुअल कर रहा हूँ, उनके साथ भी कर रहा हूँ कभी अभी, बाकी जितने तनिज बख्शी है, फिर हमारे नए म्यूजिक कंपोजर मिस्टर कबीर शाक्य जी, आप देख सकते हो। और बताएं आपको, कबीर शाक्य हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं, इनका एक बैंड जो है खासतौर से जो भीम गीतों के लिए या बुद्ध गीतों का अंग्रेजी गाना गाने वाला एक बैंड, मतलब बहुत ही पहला हम भारत का कह सकते हैं। वाकई कबीर ये भी एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर से अभिजीत जी के बारे में आप क्या बता कहना चाहेंगे? टॉकिंग अबाउट अभिजीत दा, तो आई एम टेलिंग यू कि अब ज्यादा टाइम करना नहीं,
आप तारीफ के हकदार हो एक्चुअली, तो तारीफ की जा सकती है बेसिकली। 5 साल से पहचानता हूँ अभिजीत दा को मैं, और यहाँ हमारा मेरा आना जाना है। अभी ऑलमोस्ट उनके साथ में 4 मराठी मूवी और काफी बाकी और भी 2 कर रहा हूँ उनके साथ में एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। और एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत डाउन टू अर्थ है, एंड इफ यू सी कि एक हम सुने हैं कि इंडस्ट्री में एक लेवल पाने के बाद नीचे से रूट से लगाव छूट जाता है, लोग आसमान में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं और भूल जाते हैं जमीन, तो वैसा अभिजीत सर के बारे में नहीं है। ही इज ऑलवेज ऑन ग्राउंड। वो आप देखोगे कि आप निकलोगे कभी उनके साथ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, कभी उनके साथ अगर आप निकल गए बाहर अंधेरी में तो रास्ते पे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग उनको हाथ दिखाते हुए या फिर मिलके मीटिंग ग्रीटिंग करते हुए आराम से दिख जाएंगे। कल का ही एक्सपीरियंस था, हम रात को चाय पीने निकल गए और Gaana.com के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चाय पी रहे थे वहीं पे, उन्होंने देख लिया कार में मेरे, गाड़ी रोक के फिर उनसे मुलाकात बात हुई, फिर मैंने यूं ही पूछ लिया कौन, तो बता दिया कि Gaana.com के वाइस प्रेसिडेंट है। तो अभिजीत इज दैट, ही इज ऑन लाइक यू नो, आप उनका म्यूजिक सुनोगे तो अलग दुनिया में चले जाते हैं। बेसिकली मेरा काम है कंपोज करना, ट्यून बनाना, और वो ट्यून बनने के बाद में उसकी जो सजावट होती है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि सिर्फ ट्यून इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके साथ क्या बजेगा, जी 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 जी, तो वो डायरेक्टर के दिमाग से भी सोचना पड़ता है कि डायरेक्टर के विजन में क्या है क्या फिल्म है? में okay, okay, okay. तो वो हिसाब से फिर मैं ट्यून करके फिर अभिदा के हाथ में सौंप देता हूँ, देन इट्स नेक्स्ट पार्ट इज लाइक पूरा अरेंज करना, उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस है उसको लाइव करा के मिक्स कराना। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फॉर BGM इन शॉर्ट, और सॉन्ग्स के लिए तो यार उनके गाने ही खुद जबरदस्त है, पूरा इंडिया उनके गानों पे नाच रहे, तो और अलग क्या बताए उनके। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कबीर के बारे में भी हम बता दें कि कबीर इस समय बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं, कई उसमें भोजपुरी हैं और कई मराठी फिल्में हैं जिसमें कई लेखनी भी है, कुछ बताएंगे अपनी मराठी फिल्मों के बारे में जो मराठी फिल्म अभी रिसेंटली ये 2021 में होप्स है कि रिलीज हो, एक खरड़ा नाम की एक मराठी मूवी मैंने की है, उसका संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं कर रहा हूँ, एज वेल एज एक विजय भवन नाम का एक मराठी मूवी मैंने किया है, स्पेशली वुमन एम्पावरमेंट इज अ टॉपिक ऑफ दैट मूवी, बहुत प्यारी मूवी है वो। पटेल जी है जो गुजरात से है, जो मराठी मूवी बना रहे हैं उनके लिए तो पहले ही बहुत उनको शुक्रिया। एंड सेकेंड थिंग, और एक मूवी है जिद्दी, जिद्दी नाम की मराठी मूवी आ रही है, एंड बहुत प्यारा, वो भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, संजय यादव सर है प्रोड्यूसर, और बहुत प्यारा एक मूवी वो भी लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 3 मूवी पे तो वर्क शुरू है, और भी 2-3 मूवीज इन पाइपलाइन प्रोग्रेस में है जो जल्दी हम करेंगे। बिल्कुल, और बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में और बड़ी फिल्मों में भी आप इनका संगीत सुनेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, और ये शुभकामनाएं भी आपके साथ में हमारी रहेंगी कि आप दिनों दिन बहुत अच्छी तरक्की करें और हमारा भी नाम रोशन करें आपके क्योंकि जब आपका नाम रोशन होगा तो निश्चित रूप से हमारा भी नाम उससे जुड़ा होगा। तो ये जो माहौल आप देख रहे हैं यहाँ इस वक्त हम हैं स्टूडियो में, और बड़ा कूल माहौल है, बहुत ही ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक का ही एक माहौल पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। कबीर ने ही ये बैकग्राउंड म्यूजिक बनाई है जो अभी हम सुनेंगे इस समय।
ये जो म्यूजिक था ये बनाया गया है किसी हिस्टोरिकल फिल्म के लिए और कुछ ऐसे सीन जहां पर थोड़ी सी उत्तेजना हो, तो ये आपको म्यूजिक कैसा लगा हमें जानना चाहेंगे। बहुत जल्दी कुछ नई चीज लेकर एक बार फिर आपके सामने आएंगे।